द वेट इज़ ओवर। तो इस वीडियो में हम साथ में घूमने वाले हैं इंस्टाग्राम पे धूम मचाने वाले ब्रिज पे, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। तो दिल थाम के बैठना मेरे यार, चलिए हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, माय नेम इज संजय एंड यू आर वाचिंग इन दिस वीडियो। तो आज कुछ प्लान ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद अटल ब्रिज देखने। अटल ब्रिज बहुत फेमस इंस्टाग्राम पे है अभी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और मैंने बहुत सारी रील्स देखी है इंस्टाग्राम पे, पिक्चर्स देखी है, लेकिन मैं गया नहीं था क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे साथ लेके जाना चाहता था। तो आज चलते हैं अटल ब्रिज और देखते हैं कैसा है अटल ब्रिज। मेरे साथ लास्ट तक देखना, मजा आएगा वीडियो में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई लोग, रास्ते के नज़ारे एंजॉय करते हुए मैं पहुंच गया अपनी मंजिल द ब्यूटी ऑफ अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पे। और वहां पे जो शांति और सुकून बना हुआ था वो आप खुद ही देख लो। अब अभी रिवर फ्रंट पे खड़ा हूँ, देखो यहाँ का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। यहाँ से अटल ब्रिज क्लियर दिखता है, ऊपर जाएंगे लेकिन पहले नीचे का भी दिखाता हूँ कि नीचे कैसा दिखता है। लेट्स सी। तो यार, कुछ साल पहले लोग इस नदी के किनारे खड़े होकर सोचते होंगे कि इस खूबसूरत नदी के ऊपर चलने फिरने का मौका मिले तो वो अनुभव कैसा होगा। तो इसी अनुभव को महसूस करने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसे आज हम अटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नाम से जानते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज का मतलब होता है पदयात्री ब्रिज, कि जिस पे सिर्फ इंसान चलते फिरते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती। इस ब्रिज को बनाने के लिए इंडिया में धामधूम से मनाए जाने वाले फेस्टिवल मकर संक्रांति से प्रेरणा ली गई है। इतना ही नहीं, इसमें चुने गए रंग भी पतंग के रंगों को दर्शाते हैं। इस ब्रिज का ओपनिंग हाल ही में अगस्त 2022 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से करवाया गया था। वैसे हिस्ट्री तो आपने जान ही ली है, अब ब्रिज भी घूम लो। वैसे टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चिल किया, कुछ फ़ोटो शूट करे और फिर भाई ब्रिज तो बहुत खूबसूरत है। ये इसकी टिकट है, देखो 30 रुपये की टिकट है और यहाँ पे लिखा है 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगी, यानी कि आधे घंटे के लिए आपको 30 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। ब्रिज पर सभी जगह पर CCTV कैमरा लगाया हुआ है और गाने सारे बज रहे हैं। गाने में आपको नहीं सुनाऊंगा कॉपीराइट के कारण। यहाँ पे इंडियन नेवी की भी ट्रेनिंग चलती है, मैंने देखा हुआ है कई बार, लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ नहीं है।
बाबा ये ब्रिज काफी क्रेजी है। यहाँ पे सारी जगह पे साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, तो आप गाने सुनते सुनते यहाँ टहल सकते हैं, खा पी सकते हैं और शानदार नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मौत को करीब से देखना हो तो इस कांच के शीशे पे चल के ज़रूर देखना, लेकिन संभल के। तो ये ब्रिज आजकल इंस्टाग्राम रील्स के लिए काफ़ी पॉपुलर बना है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आपने ये जगह देखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप अगर इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं या फिर फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गाने चल रहे हैं, यहाँ पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना आए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रील्स बना रहे हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ पे काफ़ी घूमने का। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आज मेरे लिए अच्छी बात है। तो चलिए घूमते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अरे भाई कैसे हो? ठीक हूँ मैं, आप बताओ। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है मोइन हसन, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैदरी चुड़बा ब्लॉगर। अच्छा, और ये अपने भाई है संजय जालावा ऑफिशियल, इनको जरूर सब्सक्राइब करो। वो अच्छे कंटेंट और ब्लॉग बनाते हैं, और अभी देखो हमारे मीट हो गई है। थैंक यू यार। तो आप अहमदाबाद से ही हो? हाँ अहमदाबाद से ही। बराबर है, ठीक है, चलो बाय गाइस। बाय बाय, थैंक यू।